ज्वाइनिंग आज मैम की धरती से हो रही है। प्रोफेसर सोनपाल सिंह जी, हमारे बीच में सतीश दास जी मैम जो मेरे चुनाव के साथी हैं, अर्जुन का साथी श्री कृष्ण की तरह, और मेरे मोदी सौरभ वर्मा जी, डॉक्टर आनंद शर्मा जी, सतप्रकाश मिश्रा जी, और मेरे भाई धर्मपाल मकड़ोली जी, और मैं जो नाम अब लेने जा रहा हूं, मेरी राजनीति के प्रेरणा के स्रोत जिनके बैठ के चरणों में मैंने राजनीति सीखी, सच्चाई और ईमानदारी के प्रति पूर्व मंत्री प्रोफेसर महाजन की जोरदार तालियां पीछे पकानी चाहिए। मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं मंच का, सम्मानित मंच का। मेरी मैम चौबीस अठगामा के योद्धाओं, बुजुर्गो, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, माता और बहनों, आज मैम चौबीस की धरती पर इस देश के सरदार पटेल जैसे ताकतवर गृह मंत्री, मजबूत गृह मंत्री अमित भाई शाह, जिन्होंने धारा 370 को उखाड़ के रखने की टोकरी में फेंकने का काम किया, आपके बीच में बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। आप ये चुनाव जो 21 तारीख को होने जा रहा है, ये चुनाव केवल एमएलए बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव 370 के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में जो चुनाव होने जा रहा है, ये इस बात का फैसला करेगा कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो अमित शाह जी ने 370 तोड़ी, उसके पक्ष में 370 वोट आई, और उन 370 वोटों में से मेरा और आपका सौभाग्य है पार्लियामेंट में आपकी वोट देश के काम आई, और हमारे मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर अरविंद शर्मा की वोट भी देश के काम आई। 370 वोटों में हमारी भी एक वोट शामिल है, इसके लिए हमें फख्र है। आज जो ये चुनाव हो रहा है, इस पर दुनिया की नजरें हैं। 370 के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र का पहले चुनाव है, पूरी दुनिया देखना चाहती है कि हरियाणा और महाराष्ट्र हमारे योद्धा नरेंद्र भाई मोदी के फैसले पर बहुत लगाता है, या चंपन वोट खिलाफ देने वाली कांग्रेस केवल चंपन वोट खिलाफ नहीं थी, चंपन वोट देने के अलावा लगातार ऐसे बयान दिए जो पाकिस्तान की गवाही बनी, पाकिस्तान के सबूत बने। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस का प्रभारी हरियाणा में, उसने कहा कि घोड़ा काट दिया, देश का प्रजातंत्र की हत्या कर दी। उसने कहा कि पत्थर भी रो रहे हैं जो हमारे सैनिकों को मारे जाते थे। आज इस महान योद्धा अमित भाई शाह ने जम्मू कश्मीर में पत्थर मारने वालों को नजर बंद करने का काम किया। लखनऊ ने गलती की, सदियों ने सजा भुगती, 42,000 सैनिकों की शहादत हुई कश्मीर में, ये गलती हुई। 370 को उठा के फेंकने का काम नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह ने किया। आज ये फैसला हो रहा है कि 370 हटाने वाले के पक्ष में मैम चौबीस अठगामा के योद्धा खड़े हैं, जो बहादुरी, सच्चाई और ईमानदारी और लड़ाई के लिए जाने जाते हैं, या उस कांग्रेस के साथ खड़े हैं जो कांग्रेस की गवाह बनी, जो पाकिस्तान की गवाह बनी। युवाओं में पाकिस्तान इस मुद्दे को कांग्रेस के बैनों को लेकर गया, लेकिन उसके बावजूद हमारे महान योद्धा नरेंद्र भाई मोदी ने पाकिस्तान को ना को चढ़े चबाने का काम किया, पाकिस्तान को पूरी तरह नष्ट नाबूद किया। मेरे योद्धाओं, मैं आपको इतिहास में ले जाना
करना चाहता हूं। मेरे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की पगड़ी की तलाशी ली गई कि इसमें बम तो नहीं। मेरे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अमेरिका के राष्ट्रपति ने 45 मिनट तक इंतजार करवाया और मेरे देश के प्रधानमंत्री महान योद्धा नरेंद्र भाई मोदी 50,000 लोगों की भीड़ को जो संबोधित कर रहे थे, अमेरिका का राष्ट्रपति 50 मिनट बैठ के भाषण सुन रहा था और तालियां बजा रहा था। इससे बड़े सम्मान की बात इस देश के लिए कोई हो नहीं सकती। और यह मेरा सौभाग्य है कि आज मैं नरेंद्र भाई और अमित शाह, नरेंद्र तोमर जी, मनोहर लाल जी की पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में हूं। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा कोई हो नहीं सकता। आज मैं शुक्रगुजार हूं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, शुक्रगुजार हूं आपका। मैं 42 के 42 गांव कर चुका हूं। हर गांव में ट्रैक्टरों से, मोटरसाइकिलों से महिलाएं, नौजवान और बुजुर्गों ने जो जोरदार स्वागत किया, आपने चुनाव को शुरुआती दौर में 9 तारीख के हत्या होते, आज ये भारी जनसमूह जो मेरे सामने है, या पहुंच के आपने अमित भाई शाह, नरेंद्र तोमर जी और अनिल जैन जी जो आने वाले हैं, उनको आपने बता दिया मैं 24 गर्मा के योद्धाओं ने चुनाव को जीत लिया, चुनाव को एक तरफा। आज मैं क्योंकि पहुंचने वाले हैं मेरे योद्धा अमित भाई शाह योद्धाओं के बीच में, और योद्धाओं के बीच में जब योद्धा बोलता है तो आखिरी छोर तक तालियां बजती है और ये तालियां आखिरी छोर तक बजनी चाहिए। जब योद्धा आए मजा नहीं आया, इस तरह की तालियां नहीं, मैम 24 वाली तालियां चाहिए, ये तालियां चाहिए। बजा बजा के मेरे ख्याल में थक गए, असली ताली बजानी है जब इस देश में ताकतवर शख्सियत, मजबूत गृह मंत्री अमित भाई शाह इन योद्धाओं के बीच में होंगे, तो ये लगना चाहिए कि योद्धाओं की जनसभा है। और मैं ज्यादा लंबी बात ना करते हुए मैं नेतृत्व का भी मंगल और वादन करता हुआ मुझे आशीर्वाद देने के लिए इस देश के कृषि मंत्री नरेंद्र भाई तोमर जी आए, मैं इनका खैर मकदम करता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं, इनका अभिवादन करता हूं और इनका आशीर्वाद जो मिला।